तो यार कभी कभी मन करता है आपका कि आपको अपना सेंसर खुद ही क्लीन कर लेना चाहिए। अगर लगता है तो ये वीडियो देख लेना, आपको साउंड में आ जाएगा। इट्स इजी, कोई डरने की जरूरत नहीं है और बहुत आराम से क्लीन होता है एंड बड़ा अच्छा क्लीन होता है। तो यार ये किट है जो UES की है, इसके अंदर क्या क्या है। एक तो यार ये आ गया अपना कैमरा एंड सेंसर क्लीनर सोल्यूशन आया है, ये आप देख सकते हो, है ना। तो यार ये 10 स्वैब्स हैं। एंड ये क्या है, माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ एक और है। अरे वाह, अरे वाह, ये माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ है हमारे, है ना। और ये हमारे जो स्वैब है, जो मेन चीज़ है जो हमारे लेंस क्लीन करने में काम आएगा, सेंसर क्लीन करने में काम आएगा। देखो ये कैसे एकदम वैक्यूम पैक्ड है, एयर निकाल रखी है इनके अंदर। सेम विथ दिस थिंग, आप देख सकते हो इसके अंदर, आपको शायद इसका स्ट्रक्चर नज़र में आ रहा होगा। एंड ये एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ आया बड़ा अच्छा सा, ओह लग रहा है प्रीमियम क्वालिटी का। एंड इसके अंदर ना एक हल्की सी सॉफ्ट रफनेस है ना, जो हमारे जो टिश्यू चश्मा के साथ मिलते हैं ना, उससे मच मच बेटर है ये क्लॉथ। वाओ, एक ये लेंस टिश्यू आया है इसके अंदर। तो यार ये मैंने खोला, ये तो एकदम सच में कहते हैं ना, वो पेपर सोप सा लग रहा है। ये इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे रखा, साफ कागज़ को, मतलब प्लेन वाइट कागज़ को आपने शूट करना है, और F22 पे शूट कर सकते हो आप उसको, है ना। तो F22 पे शूट करोगे तो क्या होता है कि अगर आपके सच में सेंसर पे डर्ट है तो वो F22 हायर अपर्चर पे आपको नज़र आती है ना। तो F22 पे शूट कर लो एंड उसके बाद क्लीन करो एंड देन अगेन डू द शूट, और फिर आप अपने लाइट रूम में कंपेयर करके देख सकते हो जो आपके स्पॉट्स होंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगे। क्या होता है, F1.8, F2, F2.8, F4 तक आपको स्पॉट नज़र नहीं आते हैं बेसिकली, ठीक है जी। एंड ये जो फाइनल चीज़ मिली है, ये एक पेन मिला है, और यार पेन तो मस्त क्वालिटी का लग रहा है। तो यार ये आपका एक पेन है जिससे आप अपने लेंस पे जो लगे हुए हैं दाग धब्बे उनको आप क्लीन कर सकते हैं। आपके कैमरा गियर की केयर करने के लिए, अगर आप अपने कैमरे को क्लियर रखना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं, उसके सेंसर को क्लीन रखना चाहते हैं, लेंस का मेंटेनेंस सही से करना चाहते हैं, लेंस के ऊपर जो स्मजेज होते हैं और जो ग्रीस लगा होता है उसको क्लीन करना चाहते हैं, तो इट इज़ नीडेड। सो गाइस, ये हमारी किट थी जो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो मैं बता देता हूँ आपको यार कैसे करना है इस्तेमाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हम सीधे के सीधे ये जो हमारा है इसको बोलते हैं एयर ब्लोअर है। तो कभी भी लेंस क्लीन करना है ना, तो कुछ नहीं करना है, अपना ये कैमरा है ना, ये आपने इसका लेंस निकाल लिया और ये ना स्विच ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, मैंने इसको ऑफ कर रखा है, ठीक है। तो इस पे आप देख सकते हो कि इसका शटर नहीं है, जो ये A7 III है, जो नए कैमरे में शटर होता है, तो आपने शटर रिमूव कर देना है। सेटिंग के अंदर आप शटर रिमूव कर सकते हो। तो कैमरे को नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि क्या होता है अगर आप ऊपर से ब्लो करोगे तो डस्ट फिर दोबारा इस पर आ सकती है। तो पहले जो डस्ट है जो हल्की लूजली वो है, इसको हम डन। तो अब क्या जो डस्ट है वो निकल जाएगी इसमें ऊपर से, है ना। अब इसके अंदर इस किट में जो मैंने आपको बताया था 10 स्वैप दे रखे हैं। एंड यार स्वैप दो तरीके के आते हैं, एक आते हैं फुल फ्रेम के और एक आते हैं क्रॉप सेंसर के। तो बेसिकली जो क्रॉप सेंसर वाला है, क्रॉप सेंसर वाले से आप फुल फ्रेम को क्लीन कर सकते हो, बट फुल फ्रेम वाले से क्रॉप को नहीं क्लीन कर सकते, क्योंकि क्रॉप सेंसर का जो कहते हैं ना, हमारा सेंसर ही छोटा होता है, तो वो जो स्वैप होता है उसका साइज छोटा होता है। सो कुछ नहीं है यार, ये हमने निकाल लिया बाहर। एंड इसके बाद इस पे हल्का सा इसको वेट कर देना है। एंड आप देख रहे हो ये आपको सेंसर पे रखना है ना, एंड लेफ्ट टू राइट जेंटली एंड राइट टू लेफ्ट। सो ये आपने क्लीन कर लिया, आप चाहो तो आप यू कैन यूज इट अगेन, है ना। तो कुछ नहीं करना, आपने इसको अगेन आप यहाँ रख लीजिए एंड जब आप दोबारा यूज करो तो फिर दोबारा आपने इस सॉल्यूशन को यूज कर लेना है। मैं अब इसको वापस लगा देता हूँ, है ना, एंड लेट्स सी, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। इट वर्क्स। अब यार इसके अंदर एक पेन दे रखा है, पेन भी अच्छा है बेसिकली। इससे क्या है, इससे ना आप अपने, ये 2-in-1 पेन है, इससे आप एक तो ये इसका एंड है, इस वाले एंड पे इन्होंने ब्रश दे रखा है, ब्रसल्स हैं इस तरफ, तो जो जैसे आप ग्रूव्स में गंद होता है वो आप इसको निकाल सकते हैं, जो लेंस के यहाँ कोने में जो इन जगहों पर होता है, तो आप ये निकाल सकते हैं, बहुत सॉफ्ट ब्रसल्स हैं, तो आपने ये एक बार निकाल लिया, डन। एंड उसके बाद ये हमने रिट्रैक्ट कर दिया, ये इस तरफ आ गया, ये हमारा क्लोज हो गया। एंड देन दिस साइड, इस साइड ये आप देख सकते हैं कार्बन टिप है इसकी। तो ये क्या करता है, ये जो आपके जो लेंस पे
फिंगरप्रिंट्स होते हैं, स्पजेस होते हैं, है ना, ग्रीस के वो लगे होते हैं, वो आप निकाल सकते हो। क्योंकि क्या है ना, जो अगर आपके लेंस पे ग्रीस स्मजेस लगे रहते हैं तो आपकी जो पिक्चर है ना उसमें वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आता, वो शार्पनेस नहीं आती, हल्का सा हेज आ जाता है ना। एंड कुछ लोग सच में इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं देखता हूँ यार, मैंने कहा यार कैसे आप इतने गंदे लेंस यूज कर लेते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक चीज और दे रखी है, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ दे रखा है। ओवरऑल आपके जो लेंसेज हैं, जो आपका कैमरा बॉडी है, वो आप इस कपड़े से क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन। एंड एक चीज और, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसको भी देखते हैं क्या है ये देखिए, ये बड़ा अच्छा है। एंड इससे भी आप अपना जो लेंस है, जो आपका ग्लास है ना, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। दैट्स इट। आपको लगे इसको डैम करना है हल्का सा, तो यू कैन डैम विद दिस प्रोवाइडेड सॉल्यूशन। आपने डैम कर ही रखा है इसको लाइक दिस, तो आप देख सकते हो ये जो है इसका जो ग्लास है वो कितना क्लीन है ना। सो गाइस, दिस इज इट। बहुत एसेंशियल किट है, हम जो हम लोगों का DSLR प्रोफेशनल किट होता है, जो मिररलेस सिस्टम है, जो कैमरे हैं आजकल के बड़े महंगे हैं, 5-5 लाख तक की किट्स होती हैं हम लोगों के, है ना। तो यार मुझे लगता है कि हाँ, उनके लिए दिस इज अ मस्ट, है ना। आप अपना सेंसर घर पे क्लीन कर सकते हैं, मेक इट अ हैबिट कि हाँ यार, हर 3-4 महीने में एक बार डू अ डीप क्लीनिंग ऑफ ऑल योर लेंसेज, है ना। और ऑफकोर्स माइक्रोफाइबर क्लॉथ और ये तो आप साथ में रखें ही रखें, एंड हर शूट पे एक बार अपना लेंस क्लीन कर लें। सेंसर क्लीनिंग यू कैन डू 3 months, 4 months, 6 months, डिपेंडिंग कि आपके कितने शूट रहते हैं, कितना आप लेंसेज ड्यूरिंग अ शूट चेंज करते हैं। और आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो में आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए हैप्पी शूटिंग।